दोस्तों, अगर आप फ़ोन ख़रीदते समय थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो आप एक अच्छा मोबाइल ख़रीद सकते हैं और आप अपने फ़ोन की बैटरी को काफ़ी लंबे समय तक चला सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविशंकर पाठक और आप देख रहे हैं माई प्राइमरी सॉल्यूशन। दोस्तों, अगर नॉर्मली देखा जाए तो हमारे फ़ोन की बैटरी सबसे ज़्यादा ख़त्म होती है हमारे फ़ोन के डिस्प्ले की वजह से। यहाँ पर बात करें ब्राइटनेस की या बात करें वॉलपेपर की, तो दोस्तों अगर मैं चाहूँ तो इस वीडियो को 2 मिनट में ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगर मैं चाहूँ तो आपको बता दूंगा कि अगर आप इस मोबाइल को ख़रीदते हैं तो आपकी बैटरी अच्छी चलेगी, अगर आप इस मोबाइल को ख़रीदते हैं तो आपकी बैटरी अच्छी नहीं चलेगी। तो यहाँ पर मैं किसी मोबाइल का प्रमोशन नहीं करूँगा, बल्कि अंदर की चीज़ें बताऊँगा। अगर आप अंदर की चीज़ें समझ जाएंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपको कौन सा मोबाइल लेना है, कौन सा मोबाइल नहीं लेना है, कौन सी मोबाइल बैटरी के लिए अच्छी है, कौन सी मोबाइल किस चीज़ के लिए अच्छी है, आप खुद समझ जाएंगे। तो कहा गया है ना कि अगर आपको किसी पेड़ की सिंचाई करनी है तो उसके तने में पानी डालने से अच्छा है उसके जड़ में पानी डालिए, पेड़ जल्दी तैयार होगा, मजबूत रहेगा। तो मैं आपको चाहता हूँ कि आप अंदर की चीज़ें समझें, इसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा मोबाइल लेना चाहिए। तो इसके लिए मैं बात करूँगा सबसे पहले डिस्प्ले की। देखिए, अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले की तो पहला डिस्प्ले आता है TFT, जो कि बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है, लेकिन उसकी कमियाँ भी हैं। अच्छा इसलिए है क्योंकि TFT डिस्प्ले की मोबाइल सस्ते आते हैं। तो यहाँ पर कमियाँ ये है कि अगर आप TFT डिस्प्ले की मोबाइल को इस तरह से देखते हैं तो बिल्कुल सही दिखाई देगा, पूरा स्क्रीन बिल्कुल सही दिखाई देगा। यहाँ पर आपको जो भी पिक्चर देख रहे हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, सब कुछ सही दिखाई देगा। लेकिन अगर आप कुछ इस तरह से देख रहे हैं या इस तरह से साइड में होकर के देख रहे हैं या तिरछा देख रहे हैं तो आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा, बल्कि आपका स्क्रीन पूरा ब्लैक दिखाई देगा। ये कमी है TFT डिस्प्ले की। अब बात करते हैं हम लोग IPS डिस्प्ले की। IPS डिस्प्ले बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है, बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है। इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आपको कलर की एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा होती है। इसमें जो भी आप पिक्चर देखेंगे, जो भी वीडियो देखेंगे, जो भी कंटेंट देखेंगे, सब कुछ एक्यूरेट कलर मिलेगा आपको, सारा का सारा एक्यूरेट कलर देखने के लिए मिल जाता है। इसमें कलर की कोई खराबी नहीं होती है। यह भी डिस्प्ले काफ़ी सस्ती होती है, लेकिन इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं AMOLED डिस्प्ले की। बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है, लेकिन यहाँ पर आपको कलर की एक्यूरेसी ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पर आपको जो भी कलर देखने के लिए मिलता है हमारी आँखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी वीडियो को देख रहे हैं, किसी पिक्चर को देख रहे हैं, तो जो उस पिक्चर का रियल कलर रहेगा, ओरिजिनल कलर रहेगा, वो कलर आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। थोड़ा बहुत उसमें चेंजिंग रहता है, लेकिन जो भी कलर आपको देखने के लिए मिलता है हमारी आँखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उससे हमारी आँखों पर ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। जैसा कि आपको पता है कि अगर आप ज़्यादा देर तक TV देखते हैं, ज़्यादा देर तक मोबाइल चलाते हैं, ऐसे मोबाइल पर देखते रहते हैं तो आपका आँख भी दर्द करने लगता है, आपका सर भी दर्द करने लगता है। लेकिन AMOLED में यही फ़ायदा है कि आपके आँखों पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। तो TFT डिस्प्ले को साइड में रखते हैं और हम बात करते हैं यहाँ पर IPS डिस्प्ले की और AMOLED डिस्प्ले की। तो देखते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। अगर आपको अंतर समझ में आ गया तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि हमें कौन सा मोबाइल लेना चाहिए, हमारे लिए कौन सा मोबाइल बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्राइस की, तो IPS डिस्प्ले की प्राइस बहुत ही कम होती है और AMOLED की प्राइस बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर आपके फ़ोन में IPS डिस्प्ले है तो आपके फ़ोन का प्राइस बहुत ही कम रहेगा, अगर आपके फ़ोन में AMOLED डिस्प्ले है तो आपके फ़ोन की प्राइस ज़्यादा रहेगा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बैटरी खपत की, तो अगर आपके फ़ोन में AMOLED डिस्प्ले है तो आपकी बैटरी जल्दी नहीं ख़त्म होगी, अगर आपके फ़ोन में IPS डिस्प्ले है तो आपके फ़ोन की बैटरी जल्दी ख़त्म होगी, क्योंकि AMOLED आपके फ़ोन की बैटरी को बचाता है।
तो अब हम बात करते हैं डिस्प्ले लाइट की। तो अगर आप धूप में जाते हैं तो IPS डिस्प्ले की लाइट बहुत ही अच्छी होती है और आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, लेकिन AMOLED की लाइट में आपको धूप में क्लियर नहीं दिखाई देता है। तो ये रही डिस्प्ले की बात। तो अब हम बात करते हैं AMOLED की खासियत के बारे में। तो अगर आप AMOLED में ब्लैक वॉलपेपर का यूज करते हैं तो आपकी बैटरी बहुत ही कम ख़त्म होती है। अगर बात करें यहाँ पर हम बैटरी की, तो IPS डिस्प्ले में बैटरी बहुत ही जल्दी ख़त्म होती है, लेकिन AMOLED में बैटरी आपकी बहुत ही कम होती है। और अगर आप ब्लैक वॉलपेपर का यूज कर लेते हैं तो आपकी बैटरी और भी ज़्यादा बच जाती है। तो दोस्तों, मैं घुमा फिरा कर यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप फ़ोन खरीदने जाते हैं तो फ़ोन की साइज़ से पहले, फ़ोन की डिस्प्ले साइज़ से पहले या उसकी लुक से पहले, जो आप लोग देखते रहते हैं ना फ़ोन खरीदने जाते हैं, तो कि ये फ़ोन स्लिम है, इसकी बॉडी स्लिम है या नहीं स्लिम है, तो इसको देखने से पहले आप ये देखिए कि आपके फ़ोन की डिस्प्ले क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है कि नहीं। और मान लीजिए आप किसी लड़की के फिगर को देख करके दीवाना हो गए, हो सकता है कि उसका नेचर अच्छा ना हो, या आप किसी लड़के के फिगर को देख करके दीवाना हो गई और उसका नेचर ही अच्छा ना हो, तो भाई घुमा फिरा कर बस यही कहना चाहता हूँ कि आप फ़ोन की डिस्प्ले को अच्छे से देखिए, उसकी क्वालिटी को अच्छे से देखिए, कितना घंटे उसकी चार्जिंग टिकने वाली है, उसकी रैम क्या है, उसकी रोम क्या है, सब कुछ आप अच्छे से देखिए, इसके बाद ही फ़ोन को खरीदिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, और आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई इस वीडियो के नीचे लाल कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बाजू में आपको एक छोटा सा नोटिफिकेशन बेल का आइकन दिखाई देगा, उस पर भी क्लिक करके आप उसको ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारी जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए हैं तो भाई फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।